पिच रिपोर्ट देखता है। ऑप्टस स्टेडियम परत का मैदान है, खूबसूरत है, ग्राउंड है। इस वेन्यू के ऊपर 3 जनवरी को रिसेंटली मैच हुआ था, पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स का मैच था। क्या हुआ था उस क्लैश के अंदर, तो आप देखो, पर्थ स्कॉचर्स होम टीम पहले बैटिंग करती है, 212 का टारगेट देती है, 4 विकेट गवा के। शानदार पारी आई थी यहाँ पे लॉरी वांस की, 83 रन की नाबाद, और फास्टेस्ट 15 उन्होंने लगाई थी पर्थ स्कॉचर्स की टीम्स की तरफ से ऑफ ऑल टाइम बात करते हैं। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स चेस करने आई, 169 रन पे रुक गई पूरी टीम, फिर इससे पहले 162 बना, 10 विकेट गवा के। जो टीम चेस करने आती है 149 पे 8 विकेट गवा देती है, टारगेट चेस नहीं कर पाती। 172 बना, टारगेट चेस हो गया, करीबन 4 ओवर रहते। 175 बना, टारगेट चेस 4 बॉल रहते। 151 बना, क्या स्कोर दिया है, तो चेस हो गया 18.3 ओवर्स के अंदर। 212 बना, टीम 202 बना जाती है। इट्स ए हाई स्कोरिंग वेन्यू, बाउंसीएस्ट पिच अमॉन्ग ऑल द वर्ल्ड। पर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको पिच के अंदर पेस एंड बाउंस देखने को मिलता है। अब देखो, पर्थ स्कॉचेस इस वेन्यू के ऊपर 32 में से 22 मैचेस जीती है, ब्रिस्बेन इट यहाँ पे 5 में से 1 मैच जीती है। तो हल्का सा ब्रिस्बेन को यहाँ पे फेवर नहीं मिला है, देखते हैं इस वेन्यू के ऊपर अगर जीतती है ब्रिस्बेन तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और पर्थ स्कॉचेस को उनके घर पर हराना लगभग नामुमकिन सा होता है, हमेशा देखा गया है। बैटिंग फर्स्ट 11 मैचेस जीते गए हैं, चेस करते हुए इस वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस जीते गए हैं। पर्थ स्कॉचेस को होम ग्राउंड है, प्रति ओवर यहाँ पे 8.5 के आसपास रन बनता है। और जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था पर्थ स्कॉचेस वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स का, उस मैच में 14 विकेट गिरे थे और 14 के 14 विकेट्स निकाले थे फास्ट बॉलर्स ने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो विकेट कॉलम क्या कह रहा है, लास्ट 24 मैचेस के अंदर पेसर्स ने निकाले 227 विकेट्स, पहली पारी के अंदर 124, दूसरी पारी के अंदर 103 है। राइट आर्म पेसर 168, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 59 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करें तो 65 विकेट हैं, पहली पारी के अंदर 34, दूसरी पारी के अंदर 31। ऑफ स्पिनर्स का 22 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 27, चाइनामैन का 11, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 11 विकेट है। तो इस वेन्यू के ऊपर ज़्यादा हेल्प नहीं मिली है, हम देखते हैं स्पिनर्स को कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स, क्योंकि इस विकेट में पेस है, बाउंस है। पिच देखो आप, पिचेस यहाँ पर इस तरह से दिखती है, बहुत बेहतर ट्रैक होता है, ग्रास हमेशा आपको इस पिच पे दिखेगी, विदाउट ग्रास यहाँ पे पिच बनती नहीं है। और ये वीडियो भी मेरे पास पिच का, आप चाहे तो देख सकते हैं, ऐसी पिच यहाँ पे रहती है। ये देखिए अदर वेन्यूज इन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बाउंस कम होता है, पर्थ के अंदर आपको हमेशा ज़्यादा बाउंस देखने को मिलेगा। और मैं ये डेटा देख के शॉक हो गया था कि ऑप्टस स्टेडियम पे 2 डिग्री स्पिन देखने को मिला है, एसीजी के ऊपर 1.6, जहाँ पे ज़्यादा टर्न होना चाहिए ब्लंडस्टोन और यूटेस के अंदर 1.2 डिग्री के आसपास स्पिन देखने को मिला। एमसीजी पे तो होता है, माना जाता है, बड़ी बाउंड्रीज होती है, स्पिन भी होती है, बॉल वहाँ पे ग्रास नहीं होती पिच के ऊपर। एसीजी पे भी यार स्पिन देखने को नहीं मिला। स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 74 मीटर देखने को मिलती है, सामने बहुत छोटा आता है 63 मीटर से। यहाँ पे ये स्टेडियम का व्यू है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम अराउंड द ग्लोब देखने को मिलता है। ये भी पहले यहाँ पे गोल्फ कोर्स हुआ करता था, ये स्टेडियम दिख रहा है ना आपको, इस एरिया में नदी थी, यहाँ पे गोल्फ कोर्स होता था, बट स्टेडियम बनाया गया और यहाँ पे क्रिकेट अब हमको देखने को मिलती है। यह स्पेशल पिच रिपोर्ट है, कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना।